बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें और बच्चे काफी खुश हैं भाई को देख के, हम सबको देख के काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज है। तो काफी बारिश भी देखी हमने और सड़कें भी देखी, आज भी जो था काफी ट्रैफिक भी देखा हम लोगों ने, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये सब एक्सपीरियंस जो है हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा। और देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हुए हमने ये भी देखा कि किस तरह से लैंडस्केप चेंज होता है, किस तरह से मौसम चेंज होते हैं। 22 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं और ये जो जर्नी शुरू हुई है यात्रा वो शुरू हुई है कोहिमा से कारगिल तक की, जो कि लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा है और बस अब हमारे 2 दिन बचे हुए हैं। फाइनली जो बाइक रैली है ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और ये अदर बाइक रैलीज के जैसे नहीं है। जैसे जब हम बाइक रैलीज का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है फन होगा, एडवेंचर होगा, चिल होगा, टूर या ट्रिप, ये उस सबसे ऊपर की राइड है। और इस राइड का मेन मोटिव ये है जो 1999 कारगिल वॉर में जो हमारे इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे उनकी सॉयल कारगिल से हमने उठाई और उसके बाद जितने भी हमारे शहीद थे उनके घर पे गए और उन वहाँ से हमने उनकी जन्मभूमि की मिट्टी उठाई। वो मिट्टी लेके हम कारगिल आ रहे हैं, कारगिल की मिट्टी हमने उनके जन्मभूमि पे दी है, यानी कि जन्मभूमि की मिट्टी हम रणभूमि तक लेके गए और रणभूमि की मिट्टी हम जन्मभूमि तक लेके गए। ये इस बाइक रैली का मेन मोटिव है। देखिए देश के युवाओं के लिए हमेशा यही संदेश है कि जन्मभूमि जो आपकी है और रणभूमि जो आपकी है वो दोनों ही इस देश के अंदर हैं, तो आप इस देश से बने हुए हैं और देश ही आपका सब कुछ है। तो सेना में रहें और जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप सेना में रह के करते हैं या फिर आप सेना से बाहर रह के कर सकते हैं, आप कीजिए। और ये हमारा संदेश रहेगा कि फिजिकली फिट जरूर रहें, क्योंकि जितने अच्छे आप स्वस्थ से और मन से सही रहेंगे उतना अच्छा आप आगे कर पाएंगे अपनी लाइफ में किसी भी।